जाएंगे, कभी नहीं हो सकता। सूरज अगर पूर्व से उगता है तो वो कभी पश्चिम से नहीं उगेगा। उसका एक सिस्टम है, वो रूटीन में सारी चीजें करता है। तो हमें भी अगर वेस्टीज से लाख रुपए, 5 लाख रुपए का चेक लेना है पर मंथ कुछ टाइम में, तो डेफिनेटली हमें कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, तभी हम सफल हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। क्योंकि कहते हैं अगर आप किसी चीज को सिस्टम के साथ करते हैं तो आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप सिस्टम को फॉलो नहीं करते तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। आप अगर हो भी गए तो तुक्के में हो जाएंगे, बट कुछ टाइम तक ही वो सफलता रहेगी, वो लॉन्ग लाइफ नहीं रहेगी। तो हमें सफलता कैसी चाहिए? लॉन्ग लाइफ चाहिए ना। और वेस्टीज तो कहती है लाइफ के बाद भी, जनरेशन टू जनरेशन, यानी हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली को वो बिजनेस पैसा देता रहेगा, और वो करेंगे नहीं करेंगे बट उनके पास पैसा जाता रहेगा। तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं होती कि हम ऐसा कोई काम कर जाए कि हम अपने परिवार के रोल मॉडल बने। डेफिनेटली, क्योंकि हाँ, हम सभी चाहते हैं कि यार हमें भी कोई पहचान मिले, लोग हमें फॉलो करें। तो एक पहचान मिलती है और रॉयल्टी इनकम मिलती है। तो 9 core steps में सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं, उसके पहले ये मैं आपको बता दूं, ये जो 9 core steps है इसको आप रेगुलर वे में, आप जब डेली करेंगे तभी रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सोचेंगे कि महीने में 1 दिन कर लूं, महीने में 2 दिन कर लूं, महीने में 4 दिन कर लूं, तो सॉरी भूल जाएंगे। मैं कहता हूं आप 10 plans नहीं दिखा सकते, 1 plan दिखाइए। कर सकते हैं इतना तो? Yes. 1 घंटा तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि अगर आपका कुछ डिसीजन है कि मुझे ये हासिल करना है तो उसके लिए वर्किंग तो करनी पड़ेगी ना। बिना काम के कुछ हो पाता है क्या? नहीं। और जहां बिना काम के अगर पैसा आने लगे वहां शॉर्टकट ज्यादा होता है और वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं दिखता। अगर आपको वेस्टीज से रॉयल्टी इनकम लेना है तो आपको रेगुलर वे में ये चीजें करनी पड़ेगी। तो पहला पॉइंट है व्हाई, आखिर क्यों। कोई भी काम करते हैं तो हम उसके पीछे एक रीजन होता है, बिना रीजन के कोई काम कभी नहीं होता। हम जितने लोग हैं, मैं आप सभी से पूछता हूं, नौकरी यहां कितने लोग करते हैं? अच्छे से हाथ उठाएंगे, अच्छे से, ठीक है। अच्छा, जॉब, हम मिडिल क्लास लोगों में आते हैं, हमारे यहां पे जॉब माना जाता है एक प्रोफेशन। ज्यादातर घरों में कहा जाता है पढ़ो लिखो नौकरी करो, ठीक है। व्यापार कितने लोग कर रहे हैं? व्यापार, ठीक, जॉब या व्यापार, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड कहेंगे उसे, क्योंकि वो व्यापार ऐसा है कि हम जब तक काम कर रहे हैं तभी तक पैसा आएगा, जिस दिन काम नहीं करेंगे उस दिन पैसा नहीं आएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, जितने लोग जॉब करते हैं कोई आ पाएगा यहाँ पे स्टेज पर? कोई भी एक नया व्यक्ति जो जॉब करता है, जिसको अभी ज्वाइन किए हुए 7 दिन 15 दिन हुए, कोई भी? कोई भी नहीं है। 7-15 दिन पुराना, 1 महीने पुराना, प्लीज। सर क्या नाम है? मोहन राजपूत जी, दीपेश गुप्ता। मोहन जी कहाँ पे जॉब करते हैं? सतपुड़ा भवन में। ओके, कब से कर रहे हैं? 6 साल। तो जब आप जॉब का इंटरव्यू देने गए होंगे तो आपको मालूम होगा कि कुछ बेसिक आपको मिलेगा, यानी कितना सैलरी, कुछ मालूम था? नहीं मालूम था सैलरी, मालूम था फिक्स था, यानी इतना मिलेगा मुझे एक एवरेज, तभी आप जाते थे ना। अगर मान लीजिए ये फिक्स ही नहीं होता सैलरी, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो क्या आप जाते? क्लियर। तो जॉब में इंसान रेगुलर क्यों होता है? आप क्या टाइम जॉब में कैसे जाते हैं? टाइमिंग क्या है? 5:30 to 6:30, यानी सुबह कितने बजे जाते हैं? 10:30 to 5:30, यानी 8 घंटे का आप टाइम देते हैं नौकरी में, ठीक है। डेली देते हैं, कभी कॉल देते हैं? मन मर्जी का सौदा तो नहीं है, यानी रेगुलर जाते हैं आप? जो छुट्टी है वो। अच्छा, और 6 सालों से लगातार जा रहे हैं, कभी ऐसा नहीं कि आप नहीं मूड आज तो नहीं जाने का, 3-4 महीने तक नहीं गए? कभी ऐसा नहीं हुआ? देखिए लोग हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं मैं आपको बताता हूं। वेस्टीज अनडाउटली आप करने आए हैं, वेस्टीज आप करने आए हैं, दैट्स गुड। वेस्टीज तभी पैसा देगा जब आप उसे रेगुलर करें। अब एक व्यक्ति नौकरी करता है, उससे उसका घर चलता है, उसको मालूम होता है कितना मिल रहा है, तो वो रेगुलर जाता है सुबह 10:30 to 5:30, सुबह 9 बजे से शाम के 8 या पता नहीं कितने घंटे लगातार करता है ना, फिक्स है।
और कभी छुट्टी लेनी होती तो बॉस से देखा परमिशन भी लेने पड़ती है, ऐसा नहीं कि एक तमाचा मार के कहा कल नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं। लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होता, देखो कितनी अच्छे से नौकरी करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली इनको मालूम है कि इनको कितना मिलेगा, तभी ये नौकरी पे लगातार जा रहे हैं। अगर इनको मालूम नहीं होता कि कितना मिलेगा तो कभी नहीं जाते। चलिए थैंक यू सर, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आएगी, नौकरी इंसान करता है। हमारे बीच में दो तरह के लोग पाए जाते हैं ज्यादातर, या तो नौकरी करने वाले या दुकानदारी या एक छोटा मोटा बिजनेस करने वाले, मुकेश अंबानी या नहीं बेटा, ना धीरू अंबानी बेटा है, ठीक है। तो नौकरी में ये डिसाइडेड है कि आपको कितना मिलेगा, इसलिए इंसान सुबह 10:30 से 5:30, 6, 7, 8 बजे तक जा रहा है और एक सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहा है। वहां उसका बॉस होता है क्योंकि उसे मालूम है एक फिगर मिलेगा, अगर मैं नहीं करूंगा तो वो फिगर नहीं मिलेगा। अच्छा कोई व्यापारी है यार, एक महीने पहले जुड़ा है जो सुनाएंगे प्लीज। थोड़ा तो देखिए, क्या नाम लिखते हैं सर? लाल जी सोनी जी। ओके, किस चीज का व्यापार है सर आपका? जेंट्स का, रत्नों का काम है। रत्नों का काम है, ओके ओके। तो कुछ पैसा वैसा लगाया है आपने या ऐसे ही फ्री में चालू हो गया बिजनेस? फ्री में नहीं, पैसा लगता है। कितना पैसा लगाया था सर? लिमिटेड जो अपना, फिर भी कितना? 10,000, 50,000, 2 लाख नीचे काम है। अच्छा, 2 लाख से कम ही नहीं होता। अच्छा ओके, कितने साल से कर रहे हैं सर? रनिंग कमाई स्टार्टिंग 20 साल पहले की। ओके, 20 साल से कर रहे हैं जेम्स एंड ज्वेलरी का काम, जो रत्न आभूषण होते हैं ना उनका काम, ठीक है। दूसरी चीज, आपको कुछ रूटीन है उस काम के लिए? मार्केट लाइन बनाई तो उसमें शोरूम डेली निकल रही थी और साथ में थोड़ा सा जोर से सबको सुनाई दे। मार्केट लाइन बनाई तो शोरूम डेली निकल काम देखा और साथ में जब पब्लिक टच में आया फील्ड में, मैं काफी टूरिंग लाइफ थी मेरी, दिल्ली और 15-20 जिले पर रन करता था, तो मैं लाइन पे कटवा लोग मिल जाते थे, ठीक है। जो अपॉइंटमेंट आए तो उनको टाइम देना, डीलिंग करना, ठीक है। तो कुदरती क्वानिटी का भी ना लिए ना, ओके। तो फैमिली अपॉइंटमेंट मिल जाते, ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो संतोषजनक था, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर रूटीन होता होगा, आप कितने बजे घर छोड़ते होंगे, कितने बजे घर जाते होंगे? 10 बजे छोड़ के 10 बजे शाम को। सोचिए 10 बजे से रात के 10 बजे तक। अब सोचिए कोई व्यापारी आदमी, एक तो सबसे पहले क्या लगाया उसने? पैसा लगाया, यानी एक टेंशन भी रहता है कि यार 2 लाख या 5 लाख 50 लाख इंसान लगाता है तो एक टेंशन भी रहता है कि ये पैसा डूब ना जाए, ऐसा होगा आपके साथ भी? दूसरी नौकरी वाले थे 10:30 से 5:30 में टिफिन उठाया, घर पहुंच गए, ठीक है। और एक सर है सुबह के 10 बजे से रात के 10, समझिए आप चीज को। तो सर पैसा वैसा तो अच्छा आता होगा जेम्स एंड ज्वेलरी में? अच्छा खर्चा भी होता है, लॉस वॉस भी कभी सहा होगा? अच्छा 20 साल से लगातार आप कर रहे हैं, चलिए थैंक यू सर, सर के लिए एक जोरदार धन्यवाद। देखिए आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम जो लोग हैं मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे घरों में 5 लाख रुपए महीना किसी के घर पे भी नहीं आता टैक्स कट के, ठीक है। किसी के घर आता है क्या 5 लाख रुपए महीना? नहीं आता। तो हम सब हैं मिडिल क्लास लोग, हमारे घर में ऑप्शन रहता है या तो हम नौकरी करें या हम दुकानदारी या छोटा मोटा बिजनेस करें जिससे हमें पैसा आए, ठीक है। बट उसके लिए पर्टिकुलर हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें अगर कितना लेना है बिजनेस में, हमें कितना लेना है, तो उस हिसाब से हमें टाइम इनपुट देना पड़ेगा। जब इनपुट हम देंगे तभी मशीन से आउटपुट निकलेगा। बट एक चीज बताइए, आपने वेस्टीज में आपको मालूम है कितना मिलेगा वेस्टीज से? कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक महीने पहले ज्वाइन हुआ यहाँ पे इन 2 लोगों के अलावा? कोई भी सर आइए प्लीज, फास्ट थोड़ा। क्या नाम लिखते हैं सर? गिरीश। गिरीश, थोड़ा सबको बताइए, मुझे नहीं बताइए। गिरीश मेजा नाम है। गिरीश सर, गिरीश सर आप 1 महीने पहले ज्वाइन हुए, आपने वेस्टीज में कितना मिलेगा? आपको सैलरी वैलरी वेस्टीज कुछ देगी? नहीं देगी। अच्छा, तो वेस्टीज के लिए पर्टिकुलर आपका कुछ टाइम है फिक्स, कितने बजे आपको घर छोड़ना है, कितने बजे? आप वेस्टीज के अलावा भी कुछ करते हैं? जॉब करते हैं। अच्छा, जॉब के साथ तो आप डेली कितने वेस्टीज में काम क्या होता है? शोधा प्लान, एक ही काम है एसटीपी, ठीक है। कितने प्लान आप पर डे देते हैं? 3 से 4 प्लान आप डेली दे रहे रूटीन में, दैट्स गुड। बहुत कम लोग होते हैं जो 3 से 4 प्लान देते हैं। सर आपके पास पूरे टूल्स वगैरह हैं, सारी चीजें हथियार वेस्टीज के लिए जो चाहिए होते हैं? दैट्स ग्रेट। तो आप देखिए एक चीज को समझिएगा कि इन्हें सबसे पहले तो मालूम नहीं है। अच्छा सर, आप ये वेस्टीज में 3 से 4 प्लान कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं?
कि वो फिल्ट्रेशन होता है, आपको डेली प्लान करना पड़ेगा, उसमें से जरूरी नहीं है कि सब लोग आपसे ठीक है कंटिन्यू प्लान करेंगे तो उसमें से आपको कहीं ना कहीं रिटर्न आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो अगले महीने। तो क्या हासिल होगा आपको ओवरऑल? वो कुछ टारगेट डिसाइड किया, कुछ डेट वगैरह कुछ कि मुझे ये करना है, ये लेना है? क्योंकि आप नौकरी भी कर रहे हैं, नेचुरल है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल में आप परिवार भी होगा डेफिनेटली, नौकरी में भी टाइम से टाइम तक फ्री होते होंगे, उसके अलावा आप फिर वेस्टीज में 3 से 4 प्लान भी पर डे कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप पे तो कर रहे हैं वेस्टीज को, तो आपका कुछ टारगेट डिसाइड है डेट कि मुझे कब तक मुझे कुछ हासिल करना है? मैंने एक डेट डिसाइड करी है कि जुलाई तक मैं डायरेक्टर्स लेवल पे कार लेवल पे चला रहा हूं। डिसाइड जुलाई तक डायरेक्टर और कार डिसाइड की है जुलाई दिस ये स्टार्ट। कितने का चेक? चेक कितने का? क्योंकि कार तो बहुत सारी आती है, नैनो भी आती है कार। आपको कौन सी पसंद है? i20 कार पसंद है। ओके, i20 कार आप लेंगे तो कितने का चेक पहले? क्योंकि i20 लेना अनडाउटली बहुत अच्छी कार है, पर चेक मैटर करता है। कितने का चेक वेस्टीज से आपका होगा तब आप i20 कार लेंगे? 40 से 50। चलिए बहुत बढ़िया, मैं चाहूंगा आपके जुलाई से पहले ये सपना पूरा हो जाए। थैंक यू सर। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जैसे गिरीश सर हैं कि एक महीना हुआ है और 3 से 4 प्लान पढ़ने दे रहे हैं, उनके पास टूल्स हैं, वो सारा चीजें बना रहे हैं, उन्होंने एक टारगेट डिसाइड कर लिया कि जुलाई तक मुझे कार लेना है i20। तो इनकी सबसे पहली चीज तो इनकी एक अपलायन, जो भी अपलायन है उनके लिए एक जो होता है तो ये आज रेगुलर वे में कर रहे हैं। मैं आपसे कहता हूं आज हम नौकरी में करते हैं तो नौकरी में हमारी सैलरी डिसाइड होती है, बिजनेस में हम करते हैं तो बिजनेस में हमारा पैसा लगता है तो हम उसके लिए ईमानदार होते हैं, बट वेस्टीज में हम ईमानदार क्यों बनेंगे? मैं आपसे पूछता हूं वेस्टीज में हम ईमानदार क्यों बनेंगे? हमारा तो कोई बॉस भी नहीं है वेस्टीज में, कोई है क्या? कोई किसी को बॉस बोलता है क्या? कोई डंडा वंडा मारता है यहां पे? क्यों नहीं आए तुम, ऐसा कोई बोलता है? नहीं। तो वेस्टीज में आप खुद के बॉस बनना पड़ेगा तभी आप सफल हो सकते हैं, नहीं तो भूल जाइए कुछ नहीं होने वाला। आपको खुद का बॉस बनना इस दुनिया में सबसे टफ काम है। खुद को ड्राइव करना, खुद के टारगेट सेट करना खुद के लिए, अनडाउटली अपलाइन जो भी आपकी एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन है वो आपको सपोर्ट करेगी, आपको मार्गदर्शन देगी, आपकी सारी चीजें मदद भी करेगी, बट करना किसे? करना किसे? कुछ सिंपल सा फंडा है आपको वेस्टीज ना, आपको क्लियर है कितना पैसा मालूम है, तो आपको सबसे पहले क्लियर करना है कि कितना मुझे लेना है। अच्छा सर, आप नौकरी करते हैं तो सैलरी आपकी डबल होती है आपके अनुसार या नहीं होती? देखो सैलरी में एक लिमिटेशन है, नौकरी में एक लिमिटेशन है, व्यापार में भी बहुत सारी लिमिटेशन है, आसान नहीं है, ठीक है, बट वेस्टीज में आपको सबसे पहले अपना वाई डिसाइड करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं ड्रीम। क्योंकि वेस्टीज अगर आप जरूरतों के लिए आ रहे हैं तो सॉरी, वेस्टीज जरूरत